मैंने इसको दोबारा से वेरीफाई भी कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक्टिव नहीं हो रहा। डेबिट कार्ड सबको मिलना शुरू हो गए हैं, तो मैंने कब ऑर्डर किया था, तो मुझे मिला कब, वो सब कुछ डिस्कस करता हूँ आज इस वीडियो में। सबसे पहले आपको बता दूं कि मैंने ऑर्डर कब किया था। ये मैंने ऑर्डर जब किया था तब डेट थी 14 दिसंबर 2023, और मेरी जो ऊपर डेट वहाँ पर लिखी हुई आ रही थी वो 25 दिसंबर 2023। लेकिन तो ये कार्ड आज मुझे 2 फरवरी 2024 को ये मुझे कार्ड यहाँ पर डिलीवर हुआ है। तो ओपे का यहाँ पर सिंपल सी पैकिंग है, बहुत ज़्यादा शशका वुशका इसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मेरा एड्रेस वगैरह सब कुछ है और अंदर कार्ड है। तो यहाँ पे मैंने सेकंड कैमरा भी नहीं लगाया हुआ, इसलिए नहीं लगाया हुआ क्योंकि अभी हम लोग उस मोबाइल फ़ोन से इसको एक्टिव भी करेंगे, और जो 300 रुपया वापस हमारा आना था तो उसको भी देखेंगे कि वो आएगा या फिर नहीं आएगा। तो इस कार्ड को हम सिंपल यहाँ पर ओपन करते हैं, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ओपे का यहाँ पर हमें लोगो वगैरह और नीचे मेरी डिटेल्स वगैरह आ रही हैं, तो इसको हम यहाँ पर ओपन करते हैं। तो कुछ तो हमारा कार्ड कुछ इस तरह का हमें यहाँ पर दिखता है। यहाँ पर पेज का जैसा से लिखा हुआ था यार, कार्ड नंबर, कार्ड होल्डर नंबर, एक्सपायरी डेट वगैरह और सारी चीज़ें यहाँ पर दी जाती हैं। यहाँ पे जिनका कहना है वो नो एनुअल फी है, फ्री ATM विड्रॉल्स हैं इनके। इसको हम साइड पर करते हैं और ये हमारा कार्ड है। तो इस कार्ड का यहाँ पर पे पाक कर, और मुझे नहीं लगता है कि आप इंटरनेशनली इसको यूज़ कर पाओगे, और फिर भी एक बार इसको ट्राई ज़रूर करेंगे कि इंटरनेशनल इस पर पेमेंट कर सकें। लेकिन पे पाक वीज़ा और मास्टर कार्ड जो होते हैं उनको बराबर तो है नहीं, तो पे पाक पाकिस्तान में ही वर्कआउट करेगा। कार्ड की क्वालिटी की बात करें तो इतनी अच्छी क्वालिटी इसकी नहीं है, जैसा से आपको देख रहा होगा ये कार्ड यहाँ पर बेंड हो रहा है। तो मतलब कि कार्ड जो क्वालिटी है बस नॉर्मल क्वालिटी ही है, दिखने में भी बहुत ज़्यादा आउट क्लास तो नहीं दिख रहा, लेकिन चलो कार्ड तो है यार। तो जहाँ तक रही अकाउंट बैन होने की बात, तो यार मेरा तो अकाउंट बिल्कुल बैन नहीं हुआ था जब मैंने इस पैसा से ओपे में ट्रांसफ़र किया था। ये तब ही किया था जब बहुत ज़्यादा लोग कह रहे थे यार हमारा ओपे की वजह से जो हमारा अकाउंट जो है वो बैन हो गया है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं, एक एक्टिवेट करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डर भी ऑन कर लेता हूँ। तो सिंपली हम अपने ओपे की तरफ चले जाते हैं और यहाँ पर मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर लास्ट मिडिल के 6 डिजिट्स जो हैं वो प्रोवाइड करने हैं। यहाँ पर मिडिल के मैं 4 डिजिट्स 6 डिजिट जो हैं वो इन्हें प्रोवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक्सपायरी आ रही है जी, एक्सपायरी की है इसकी, तो एक्सपायरी डालते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर मुझे लिखा हुआ रहा है हैव नॉट रिसीव्ड द कार्ड, एक्टिवेशन फेल्ड, इट नीड टू फिल अप मिडिल 6। तो भाई मैंने मिडिल के 6 कर तो दिए हैं और क्या करूँ, एक्सपायरी भी इसकी यही आ रही है, लेकिन ये उसके बावजूद जो है ये एक्टिव नहीं हो रहा। यहाँ पर मुझे बार बार एक्टिवेशन जो है वो फेल्ड दिखा रहा है, हालांकि मैंने जो डिजिट्स हैं वो मिडिल बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं, क्योंकि उसके बावजूद ये कह रहा है इट नीड टू फिल अप द मिडिल 6 डिजिट एंड एक्सपायरी डेट व्हेन यू एक्टिव योर कार्ड, प्लीज़ मेक श्योर यू हैव ऑलरेडी रिसीव द कार्ड ऑलरेडी। भाई मैंने रिसीव नहीं किया, बट ये लोग जो हैं वो नहीं एक्टिव कर रहे मेरा कार्ड, हालांकि आया भी एक दिन पहले है। तो आई डोंट नो कि ये क्या सीन है, जो भी है अभी ये आपके सामने तो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हो रहा, और मैंने इसको दोबारा से वेरीफाई भी कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक्टिव नहीं हो रहा। तो भाई लोग बात ऐसी है कुछ के ये एक्टिव नहीं हो रहा बिल्कुल भी। तो डिजिट्स मैंने वही यूज़ किए हैं जो कि यहाँ पर मुझे इन्होंने दिए हैं कार्ड पर, लेकिन ये एक्टिव नहीं हो रहा। तो यहाँ पे डेट्स मैं आपको बता देता हूँ कि कब डेट्स मेरी जो है मैंने अप्लाई किया था। 14 दिसंबर 2023 को अप्लाई किया था, 21 दिसंबर 2023 का इन्होंने बताया था कि आपको रिसीव होगा, लेकिन ये मुझे 2 फरवरी जो है वो रिसीव हुआ है, और मतलब रिसीव जो है वो एक दिन पहले हुआ है, 1 फरवरी को हुआ था। लेकिन ये कि अभी कार्ड जो है ये काम नहीं कर रहा, मतलब एक्टिव नहीं हो रहा। मैंने 300 रुपये दे के कार्ड जो है वो यहाँ पर रजिस्टर किया था, कार्ड तो आ गया है, लेकिन ये कि अभी यहाँ पर कार्ड एक्टिव नहीं हो रहा। तो यहाँ पर रिवार्ड्स का कुछ उन्होंने ऑप्शन दिया है, मोबाइल लोड पे 50 रुपीज़ आपको कैशबैक देंगे, मोबाइल पैकेज पे 50 रुपीज़ है, इलेक्ट्रिकल मतलब बिल पे आपको इतना देंगे, और ये अपने मतलब के वॉलेट को चलाने के लिए ये सारी जो हैं वो कैशबैक्स लेकर आए हैं। आप भी एक बार देख लें, अगर जो भी आपको करना है वो कैशबैक अगर चाहिए तो यहाँ से आप इजीली ले सकते हो। अभी स्टार्टिंग है इसका, तो इसको भी बहुत ज़्यादा काम करना है। हेयर कार्ड मेरा ये एक्टिव नहीं हो रहा, अगर ये मैं इसको दोबारा भी ट्राई करूँगा, अगर ये कार्ड एक्टिव हो जाता है तो मैं आपको एक शॉर्ट बना के ज़रूर बता दूँगा। तो खुश रहिए,
आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टेक केयर, गुड बाय।